आज हम बनाएंगे ये गणेश जी के फेवरेट मोदक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पूनम की रसोई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दें। ये मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध को उबाल के ले लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा होके डो फॉर्म में ना आ जाए। ऐसे ही चलाते रहना है जिससे ये तल्ले पे ना चिपके। मैंने यहाँ नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप किसी भी मोटे तल्ले के बर्तन में पका सकते हैं। आप देख सकते हैं दूध पक के कम होता जा रहा है। थोड़ा सा दूध बोल में ले रही हूँ। इसमें कुछ केसर के धागे डालकर भीगने रख दूंगी, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। देखिए साइड से भी मलाई को निकालते हुए दूध में डालते जाएंगे। दूध गाढ़ा होके दानेदार हो गया है। अब इस स्टेज पे फ्लेम को लो करके चीनी डाल लेते हैं। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो केसर वाला दूध हमने रखा था ना, वो भी डाल देते हैं। लो फ्लेम पे मिला लेंगे। अब फ्लेम को हाई करके पका लेना है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अब ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, पूरा नहीं सुखाएंगे, थोड़ा मॉइस्चर इसमें रहने देना है। फ्लेम को ऑफ करके इसी तरह चलाते रहेंगे क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है। अब इसे चेक कर लेते हैं मिक्सचर मोदक बनाने के लिए तैयार है या नहीं। देखिए थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेके बॉल बनाएंगे। मिक्सचर हाथ में नहीं चिपक रहा है, स्मूथ बॉल बन जा रही है, मोदक के लिए परफेक्ट है। एक बॉल में निकाल लिया है, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख देते हैं। ठंडा हो गया है, डो को इस तरह से मिलाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। मोदक के लिए मैंने ये मोल्ड लिया है, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इस पर हल्का सा घी लगा लेंगे जिससे कि मोदक आसानी से निकल जाए। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके मोल्ड के दोनों साइड फिल कर लेंगे। अब इसे अच्छे से प्रेस करते हुए बंद कर लेना है। एक्स्ट्रा जो भी है निकाल लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही बना लें, मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स फिल करूँगी। देखिए बेस में इस तरह कैविटी बना लेनी है। कुछ काजू बादाम को मैंने बारीक काट लिया है, फिल कर देंगे। ऊपर से थोड़ा मिक्सचर रख के बेस को स्मूथ कर लेंगे। इसे आराम से ओपन करेंगे। देखिए कितना प्यारा मोदक बना है। इस बार तो गणेश जी भी खुश हो जाएंगे इस मोदक को देख के। प्लेट में रख लेते हैं, एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए आप इस तरह से भी मिक्सचर को मोल्ड में फिल कर सकते हैं। हमारा दूसरा मोदक भी तैयार है, ऐसे ही और बना लेंगे। कुछ बना लिए हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी से ये स्वादिष्ट मोदक को घर पर ही बनाइए। थैंक यू।